स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वार्ड क्रमांक 21 से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चिंटू चौकसे ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू किया। चिंटू चौकसे ने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में भी कई विकास कार्य वार्ड की जनता के लिए किए गए हैं, वहीं इस बार यह संकल्प लिया है कि वार्ड 21 का विकास करना है। चिंटू चौकसे द्वारा बताया गया कि यह वार्ड मेरा परिवार है, मुझे जनता का जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। वार्ड 21 जीत कर वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। मेरे द्वारा किए गए सारे काम किए गए हैं। वार्ड की कोई भी समस्या हो वह मेरी समस्या है। वहीं कहा कि वार्ड 21 और 22 में हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। विधानसभा 2 में कांग्रेस का परचम लहराएगा। 2009 से लेकर 2022 तक का सफर बेहतरीन शानदार रहा। आने वाला सफर स्वर्णिम होगा। आने वाले समय में क्लीनेस्ट वार्ड के साथ ग्रीनेस्ट वार्ड कैसे हो, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर हम लोग पूरा अभियान चलाएंगे कि हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग हो, बरसात के जल को संचित कैसे किया जाए ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कम बरसात भी हो तो भी हमारे वार्ड में जल संकट ना आए। हर घर के सामने प्लांट लगाने का प्लांट लगवाएंगे ताकि हमारा वार्ड पूरा ग्रीन रहे। उसके साथ साथ हमारे परिवारों के सुख दुख अच्छा बुरा उसमें हमारी सहभागिता कैसी हो, हम उस परिवार के छोटे से छोटे प्रोग्राम में या छोटे से छोटे सुख या दुख में कैसे शामिल हो सके, ये निरंतर चलता रहा और तीव्र गति से चलेगा। और आने वाले समय में इस पार्षद के चुनाव के बाद विधानसभा 2 में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा और एक्चुअल में अयोध्या बनेगी। जो रावण लोगों ने लंका बनाने की कोशिश करी, गुंडागर्दी का राज मचा रखा है, उसको व्यवस्थित करेंगे। ऐसा विधायक, ऐसा पार्षद जो जनता के बीच में जनता की सुनेगा, जनता के हिसाब से काम करेगा। सिर्फ भजन भंडारे से काम नहीं चलेगा, आदमी को जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आपका नाम और वार्ड? चिंटू चौक से, वार्ड 21।